साल के नए शुरुआत के समय अर्जुन कपूर, अपनी बहन अंशुला, अपने पिता बोनी और अपनी बहनों नहीं बल्कि अपनी एलेक्ट गर्ल फिल्म मलाइका अरोड़ा के साथ है। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर वेकेशन ट्रिप गोवा में। जी हाँ, गोवा जो क्रिसमस मनाने के लिए पहुंचे, वो नए साल पर भी वहीं ठहरे हैं। अब सवाल ये है कि अगर अर्जुन ने मलाइका का साथ देने के लिए गोवा जाकर ट्रिप की शुरुआत की है, तो उनके साथ कपूर परिवार के मेंबर्स क्यों नहीं। सवाल ये है, क्या वाकई में अर्जुन और मलाइका के रिश्ते को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं बोनी कपूर? क्यों आखिर अंशुला कपूर और जानवी खुशी के साथ बोनी नजर नहीं आए हैं मलाइका अर्जुन की इस गोवा ट्रिप पर? वैसे आपको बताना चाहेंगे कि मलाइका की सिस्टर अमृता अरोड़ा, उनके हस्बैंड और उनके मॉम डैड सब गोवा में हैं, जहां पर अमृता का अपना आलिशान बंगलो है। उस आलिशान बंगलो की तारीफ करते हुए अर्जुन ने फोटोशूट कराकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर इस बात की जानकारी भी दी कि वो कितने ज्यादा खुश हैं और यहाँ से निकलने का उनका मन नहीं। लेकिन मलाइका का घर पहुँचने के बाद, मलाइका अमृता के घर पहुँचने के बाद अपने घर को छोड़कर अर्जुन ने अपने परिवार वालों को इस नए साल की शुरुआत में अकेला छोड़ा है। वाकई में इशारे कई तरफ करता है ये। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि बोनी कपूर मलाइका और अर्जुन के रिश्ते से अनजान नहीं है। इन दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है। दोनों शादी को लेकर बार बार कह चुके हैं कि ये शादी पब्लिकली करेंगे और ऑफिशियल करेंगे। बीच वेडिंग की इनकी तैयारियां भी हैं। गोवा में बीच वेडिंग करना चाहती है मलाइका, ये उनकी फैंटेसी है। ऐसे में अर्जुन कपूर इसी तैयारी में गए हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रिप पर मनाने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।